सोलन के होमगार्ड कर्मियों को पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते होमगार्ड कर्मियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। होमगार्ड कर्मियों का कहना है कि वे ना तो घर के रहे हैं और ना ही घाट के, यानी होमगार्ड का उनका अपना विभाग ही उन्हें पराया मान रहा है। होमगार्ड कर्मियों को पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिला है। अपनी इस दुर्दशा के बारे में वे कई बार अपने विभाग में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई कहीं भी नहीं हो पा रही। जब इस बारे में होमगार्ड कार्यालय के कमांडर हरिस्वरूप शर्मा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि 203 ऐसे कर्मचारी हैं जो हॉस्पिटल, आरटीओ और पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनको संबंधित विभाग ने ही वेतन मुहैया करवाना था, लेकिन 3 माह से उन्हें वेतन नहीं मिला है और न ही चुनावी ड्यूटी का उन्हें वेतन दिया गया है। इस संदर्भ में वह जल्द ही संबंधित अधिकारियों से बातचीत करेंगे और उन्हें जल्द से जल्द वेतन दिलवाने का प्रयास करेंगे। इलेक्शन ड्यूटी और जो दूसरी पुलिस के साथ ड्यूटी और आरटीओ बैरियर वगैरह में होमगार्ड्स तैनात हैं, तो उसके लिए तो बजट उन्हीं को मिलता है, उन्हीं रिक्विजिशनिंग अथॉरिटी जो है उन्हीं को बजट होता है और वही उसका पे करते हैं। और शायद बजट की कमी रही, कुछ देर मैं बात करूंगा अभी पुलिस से भी और जो आरटीओ बैरियर में है, तो उनको जल्द इसको समाधान करेंगे, उनको बजट जो भी होगा तो ये पेमेंट उनको मिल जाएगी। लेकिन पुलिस के एसपी होते हैं जो ये मांग करते हैं, अभिकरण है, तो उन्हीं से बात करूंगा और आरटीओ बैरियर में जो है आरटीओ जो है डिस्ट्रिक्ट के सोलन के, उनसे बात करके इसकी पेमेंट जल्दी भुगतान करने के लिए बोलूँगा। गौरतलब है कि होमगार्ड के जवान दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन 3 माह का वेतन समय पर न मिलने से उन्हें घर चलाना भी मुश्किल हो चुका है। दोस्त रिश्तेदारों से ऋण उठाकर किसी तरह गुजर बसर चला रहे होमगार्ड के जवानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर इसी तरह से उनकी अनदेखी होती रही तो जल्द ही कर्मचारी धरना प्रदर्शन का रास्ता भी अपना सकते हैं। सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।